बच्चों ये बच्चों अभिमान हुआ तुमको, तेरा अभिमान मिटा दूंगा, तेरा अभिमान मिटा दूंगा। शकंत राम रघुराय की मैं बंदी तुम्हें बना लूंगा। शकंत राम रघुराय मैं बंदी तुम्हें बना लूंगा। बालक जब तुम कहना नहीं मानोगे, जब तुम्हारी यही अभिलाषा है मल्लयुद्ध की, तो मैं तुमसे मल्लयुद्ध करूंगा। तैयार हो जाए फिर हनुमंतलाल। से रण कर रहा हूं, चाहे इसको बंदी करने के लिए कुछ लेकर के आओ। चल बानर तैयार। ये क्या लंका में मरे दिया, लंका में मरे दिया लाखों योद्धा संघर्ष, परंता जिन बच्चों से होती मेरी हार। ये क्या हे प्रभु, हे प्रभु यद मैं आपका सच्चा दास हूं, सच्चे मन से भक्ति की है, तो हे प्रभु मुझे इनके माता पिता के दर्शन कराओ। जय श्री राम। ये क्या ये तो दोनों बच्चे मेरे प्रभु के ही हैं, तो इनसे रण में जीतना या हारना दोनों ही समान हैं। इसलिए मुझे आगे का रहस्य जानने के लिए मुझे इन बालकों से बंदी होना चाहिए। एक कुश भैया आज से खेलने के लिए बानर तुम्हारा और अश्व हमारा। चलो इसको आश्रम में ले चलते हैं। हे बच्चों, तुमने हनुमंत लाल को बंदी बना लिया है, अवश्य यह मत समझना शरण करने के लिए तैयार हो जा। तैयार हो जा भरत भैया। कायर कहीं का आपने आपको बहुत बड़ा वीर बतला रहा था। चलो अब देखते हैं कि आखिर में रण करने के लिए कौन आता है।
दिखाई नहीं दे रहे। उनको जब मैं नहीं देखती हूँ तो मुझे अति चिंता होने लगती है। न जाने पुत्र ला और कुछ दोनों पुत्र मनों में न जाने कहाँ खेलने के लिए चले गए। मेरा तो बहुत ही दिल घबरा रहा है। आपकी छत्र छाया में, परंतु मुझे दिखाई नहीं देते। आखिर ओ सामने की ओर से बेटा कुछ कहिए गुरुदेव, कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो बेटा? हे गुरुदेव, मैं समय तपो जंगल से आ रहा हूँ। क्या तपोवन जंगल से आ रहे हो? हाँ गुरुदेव। परंतु बेटा वहाँ पर क्या कर रहे थे? हे गुरुदेव, वहाँ पे युद्ध होता था। युद्ध? अवश्य। बेटा तुम क्या कहते हो? हाँ गुरुदेव, युद्ध तुम्हारा, परंतु तुम्हारा बेटा लव कहाँ है? बेटा हे गुरुदेव, मैं एक बानर को बंदी करके लाया गुरुदेव। क्या बेटा कुछ एक बानर को बंदी करके लाए हो? अति फिर उसे हमारे पास लेकर क्या हो? अरे हनुमान, आप और यहाँ पर ए बेटा कुछ इन्हें छोड़ दो। हम नहीं छोड़ूंगा। ए बेटा हमारा काम आने ने तत्काल छोड़ दो। क्या क्या गुर्दा छोड़ दो हनुमान? बोलो बोलो, आप यहाँ पर? अरे गुरुदेव, बहुत ही अनर्थ हो गया है। शांति वन में मेरे प्रभु श्री राम के अस्त्र में कास्तुन बच्चों ने पकड़ लिया है और घमासान युद्ध चल रहा है। उनके सभी भाई, सभी योद्धा मूर्छित हो गए हैं और स्वयं मुझे बंदी बना के यहाँ ले आए हैं। और अब प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम समर भूमि आ गए हैं और उनसे युद्ध चल रहा हो गया। क्या कहते हनुमान? हाँ, आप चले अति शीघ्र, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि वहां पर प्रभु श्री राम युद्ध करने के लिए समर भूमि में प्रस्थान कर चुके होंगे। अरे हनुमान, अगर ऐसी बात है अति शीघ्र हमें चलो गुरुदेव, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। भैया भरत भी मूर्छावंत हो गए, तब तो विलम्ब ना करते हुए शीघ्र चलो। आओ प्रभु आओ। हाय मोरे अंगद
ये क्या हमारी चतरंग अयोध्या की चतरंगी सेना का ये हाल? क्या तुम्ही ने हमारी चतरंगनी सेना को मूर्छावंत किया है? हाँ राजन, लेकिन सर्वथम राजन क्या आप राम? हाँ बच्चों। ओ मही अयोध्या नरेश महाराधा का पुत्र राम। आखिर राजन रण में आ ही गई, मैं आपका ही तो इंतजार कर रहा था राजन। हे राजन, सर्वप्रथम मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। क्या पूछो, आखिर तुम कौन से प्रश्न पूछना चाहते हो? कि हे राजेश्वर, हे अवधेश्वर, कहने को क्षमा चाहे क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ी सी शंका समाधान शंका का किया चाहता हूँ। थोड़ी सी शंका समाधान मुझे आपके प्रति, आपके राज के प्रति कुछ संशय है, इसलिए मैं कुछ प्रश्न करने के लिए जा रहा हूँ। अगर उसमें मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। बेटा, तुम्हारे हृदय में जो भी प्रश्न है उन्हें पूछो। लो श्रवण करो राजन। किसरी सूप न खातो नारी जाती, फिर उसकी नाक कटाई। न खातो नारी जात, फिर उसकी नाक कटाई क्यों? किसो ग्रेव विभीष के कारण पीछे से आंख चुराई। तो एक नारी जात थी, आखिर में तुमने उसके नाक और कान क्यों कटवाए? और राजन, बालिका वह तुमने वृक्षों के आड़ से क्यों किया? और तुमने क्या किया राजन? कि तुम न्यायी राजा हो करके फिर भी अन्याय किया तुमने। सीता की अग्नि परीक्षा ली, फिर भी वनवास दिया तुमने। अग्नि परीक्षा ली, फिर भी वनवास दिया तुमने। हे राजन, जब तुमने सीता की अग्नि परीक्षा ले चुके थे तो आखिर में तुमने उसको वनवास क्यों दिया? और तुमने क्या किया राजन? कि रघुकुल के पति तुम हो करके धोखे से बाली संहारा क्यों? सब वेद विभीषण से लेकर रावण सा ब्राह्मण मारा क्यों? सब वेद विभीषण से लेकर रावण सा ब्राह्मण मारा क्यों? इस
सब अधर्म के काम राम तुमने क्यों किए? इन सारों प्रश्नों के उत्तर राम मुझे एक साथ में चाहिए। राम बेटा तुम अपने सभी प्रश्नों का उत्तर चाहते हो? हाँ राजन। तो श्रवण करो बेटा कि वो उत्तर दू क्या मैं उत्तर दू मेरा कहना बस यही है। मैं तुम्हें क्या उत्तर दूं? मैं तो बस तुम्हें इतना ही बतलाना चाहता हूं, इस संसार में जब भी किसी मनुष्य का जन्म होता है तो उसके अंदर गुण और दोष दोनों ही विद्यमान होते हैं। अगर किसी इंसान में अच्छाई है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुराई तो अवश्य होगी। यही मनुष्य का जीवन है। और जानते हो बेटा? बोलो राजा। कि मैंने मानो लीला की है क्या मानो का चरित्र दिखाया है। और मानव जीवन में गुण और दोष तो सभी पाए जाते हैं। और बेटा तुम इस हमारे न्याय और अन्याय की बात करते हो। जो हमारा धाम है जहाँ हमारा परम निवास है वहाँ पर ना तो कोई प्रपंच है और ना तो कोई माया है। इसीलिए बेटा मैंने मानव के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लिया और कहीं पर अच्छाई भी की तो कहीं पर धोखे से हमें हमसे बुराई भी हो गई होगी। अरे राजन तुम क्या करो, तुमने मानव लीला की है। तो हे राजन आज भी एक मानव लीला करो, अपनी पराजय स्वीकार कर लो और यहाँ से चले जाओ। अरे बेटा हम रघुवंशी हैं, अगर एक बार अपना पैर रणस्थल में बढ़ा देते हैं तो स्वयं मृत्यु हमारे सम्मुख क्यों ना आ जाए, परंतु हम अपने पैर पीछे नहीं हटाते। अगर तुम इस अश्व को ले जाना ही चाहते हो तो तुम्हें मुझसे रण करना होगा। अवश्य राजन, मुझसे रण करने के लिए तत्पर हो जाओ। तैयार हो जाओ नादान बालक, तैयार हो जाओ राजन। जय गुरुदेव। ठहरो बेटा लो, ठहरो सावधान हो जाओ बेटा लो, लो बेटा गुरुदेव अब
दिए 15 बंद कर दो अब यह 15 बंद कर दो अब कुछ राम का पद कर दे अरे बेटा लो युद्ध करने जा रहे हो फातिमे नहीं मालूम ये कौन है। अरे बेटा लो यही तुम्हारे पिता श्री रामचंद्र हैं और आज तक जिए तुम बंदेवी के नाम पर जानते आए हो यही तुम्हारी माता पिता हैं। ओ, ये राम की चतुरंगी पेना का एफहाल चिंता मत करो। अरे मनराज हमारे इन भ्राताओं का क्या होगा। हे राम आप चिंता मत करो हम अभी ने अपने भक्ति माया के द्वारा अभी ने मूर्छा वंदन पर जागृत करते अवश्य अपनी कृपा दृष्टि पर बेटा लो और कुछ अरे बेटा लो और कुछ जल्दी फजा अपनी बिड़ारे करके आओ और तत्काल अपनी माता के नाम का उच्चारण करो। अवश्य गुरुदेव कि रघुकुल की साथ तुम ही तो हो हे माता मेरी प्रणाम तुम्हें रघुकुल की साथ तुम ही तो हो हे माता मेरी प्रणाम तुम्ही तो हो हे पिता मेरे प्रणाम रघुकुल की साथ तुम्ही तो हो हे पिता मेरे प्रणाम तुम्हें मंडल की उचियारी इस नभ मंडल की उचियारी इस नभ मंडल की हरियाली इस नभ मंडल
की उजियारी सेना भमंडल की हरियाली रघुकुल की साकी तुम्ही तो हो हे चाचा मेरे